यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदयरूपी पटिया और उनकी वेदियों के सिंगों पर भी खुदा हुआ है। फिर उनकी जो वेदियां और अशेर नाम देवियां हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर है, वह उनके लड़कों को भी स्मरण रखती है। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, मैं तेरी धन संपत्ति और पूरा भंडार और पूजा के ऊंचे स्थान जो तेरे देश में पाए जाते हैं तेरे पाप के कारण लूट जाने दूंगा, और तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का जो मैंने तुझे दिया है अधिकार न रखेगा, अधिकार न पाएगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई है कि वह सर्वदा जलती रहेगी। यहोवा यो कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसी का सहारा लेता है, और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा, परंतु वह निर्जल और निर्जन और लोन छाई भूमि पर बसने वाला होगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसको अपना आधार मानता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जो जब घाम होगा तब वह उसको न लगेगा और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन ही मन खोजता और जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का पलटा दू, फल दू। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़ियों के दिए हुए अंडों को सेती है, वैसा ही वह धन उस मनुष्य को आधी आयु में छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र स्थान आदि से ऊंचे स्थान पर रखा हुआ एक तेजोमय सिंहासन है। हे यहोवा, हे इसराइल के आधार, जितने तुझको छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हे यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा होऊंगा, मुझे बचा तब मैं बचूंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करूंगा। सुन, वे मुझसे कहते हैं कि यहोवा का वचन कहा रहा, वह अभी पूरा हो जाए, परंतु तू मेरा हाल जानता है कि तेरे पीछे चलते हुए मैंने उतावली करके चरवाहों का काम नहीं छोड़ा, और न मैंने उस आने वाली निरुपाय विपत्ति की लालसा की है, वरन जो कुछ मैं बोलता था वह तुझ पर प्रकट था। इसलिए तू मुझे न घबरा दे, संकट के दिन मेरा शरण स्थान तू ही है। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने न दे, पर मेरे सताने वालों की आशा टूटे, मुझे विस्मित न होना पड़े। उन्हीं को विस्मित होना पड़े, उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। यहोवा ने मुझसे यो कहा कि जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा भीतर बाहर आया जाया करते थे, वरन यरूशलेम के सब फाटकों में भी खड़ा हो, और उनसे कह, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों, हे और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है कि सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठा ले जाओ और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। फिर विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ, और न किसी रीति का कामकाज करो, वरन
उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसलिए हट किया कि न सुने और ताड़ना से भी न माने। यहोवा की यह वाणी है कि यदि तुम सचमुच मेरी सुनो और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ नेल न ले आओ, वरन विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें से किसी रीति का काम काज न करो, तो इस नगर के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए और हाकिम और यहूदा के लोग यरूशलेम के निवासी प्रवेश किया करेंगे, और यह नगर सदा बसा रहेगा, और यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से और बिन्यामीन के देश से और नीचे के देश से और पहाड़ी देश से और दक्षिण देश से लोग होमबलि, मेलबलि, अन्नबलि, लोबान और धन्यवाद बलि लिए हुए यहोवा के भवन में आया करेंगे। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मानोगे, परंतु उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहोगे, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर न बुझेगी।